वेट लॉस या फैट लॉस आपको फ्रेश फील कराता है, आप में एनर्जी होनी चाहिए. अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं, आपकी बॉडी दर्द करती, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग. आपने क्या करना है, सबसे आसान चीज़ होती है, अर्ली डिनर करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, 7 बजे के बाद आपने कोई भी सॉलिड चीज़ नहीं खानी. अच्छा, आप 22 आवर्स की फास्टिंग है, वो भी इफेक्टिव है? अच्छा, 22 आवर्स हो या 18 आवर्स हो या 20 आवर्स हो, आपकी जो भी तक एक्सट्रीम डाइट होती है वो कुछ देर के लिए आप कर लें तो आपको रिजल्ट देगी. लॉन्ग टर्म अगर आप उसको चलाएंगे और तो वो रिकवर भी उतने जल्दी आप हो जाएंगे जितने जल्दी. ऑफ कोर्स उसमें सिर्फ ये होता है कि अगर तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए एक चीज की, उसको मेंटेन करने के प्लान पे आए. होता यह कि अगर फैट लॉस आपने एक महीने के अंदर, आपको लगता है कि आपने वेट 4-5 kg रिड्यूस कर लिया, जो कि शुरू का वेट आराम से चला जाता है, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ गए, आप उसी तरह खा रहे हैं, आप उसी तरह हमारा गेन करना शुरू हो जाएगा, एक्सरसाइज नहीं करें, वो बाउंस बैक करेगा, बिकॉज वो फैट नहीं है जो गया है. वेट बहुत जल्दी बाउंस बैक करता है, फैट लॉस इररिवर्सिबल होता है. इसीलिए अगर फर्ज किसी वजह से आप 6 माह भी एक्सरसाइज ना कर पाए, आपने फैट लॉस कर लिया है, कोई इंजरी है किसी भी वजह से, तो एकदम बाउंस बैक नहीं करेगा. कुछ एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं, कुछ ऐसे जो हम घर पे रहते हुए जिस तरह जिम जाए बिना, हम घर पे छोटा सा मैट लें और बस एक्सरसाइज शुरू करें. अगर फर्ज मैं लोगों कहती हूँ, बहुत सारे लोगों के पास एक एक्सक्यूज एक और होता है कि हमारे पास तो मैट ही नहीं है, तो मैं कहती हूँ कोई भी ऐसी कारपेट पे कर लें, थोड़ा सा खतरनाक इसलिए होता है कि बैक पे आपके इंजरी होना शुरू हो जाएगी. तो वो, लेकिन आप कोई भी नरम चीज लें और आप उसको बिछा सकते हैं, स्टार्ट करें. नंबर वन एक सेट बताती हूँ जो कोई भी कर सकता है, चाहे आपको जॉइंट पेन है या आपको अर्थराइटिस है या PCOS का इशू है. सबसे पहले आपने क्या करना है, सिर्फ जॉग इन प्लेस स्टार्ट किया, 30 seconds ऑन और 10 seconds रेस्ट, यानी कि बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी है. बिल्कुल वार्म अप करना जरूरी है. दूसरा, योगा भी हो कोई भी एक्सरसाइज हो, बगैर वार्म अप के करेंगे इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे. दूसरी आपने चीज क्या करनी है, मार्च की तरफ आना है. अब इसी एक्सरसाइजेस को आप अगर 30 seconds से 45 seconds तक करते रहेंगे, 10 seconds का ब्रेक देंगे, उसके बाद जंपिंग जैक्स की जगह आप स्टेप जैक्स करेंगे. दिखने में चीजें बहुत आसान लगती है, लेकिन मुसलसल आपने क्या करना है, टाइम बढ़ा लेना है. 30 seconds बिगिनर्स के लिए, और इसके अलावा अगर आप 50 seconds या 45 seconds तक जाते हैं तो एडवांस. अच्छा, ये अभी मुझे बताया कि जिस तरह से आप ये कर रही हैं, ये स्टेप्स आपकी बॉडी के ऊपर किस जगह की फैट को रिड्यूस करेंगे, ये आप जिस तरह हम बात करते हैं टारगेटेड, इसमें होगा ये फुल बॉडी होगा. ओके, टारगेटेड आपको हफ्ते में 1-2 दिन करना चाहिए, क्योंकि टारगेटेड फैट लॉस एक्चुअली कुछ नहीं होता. इसलिए हम उसकी टोनिंग के लिए बताते हैं कि आप टोनिंग करें एक्चुअली बॉडी की. उसमें होगा फुल बॉडी को ज़रूर टारगेट करें. अब हम स्क्वाट करते हैं, स्क्वाट सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है, बिकॉज इसमें बिगेस्ट मसल आपका लेग्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं. आपने क्या करना, अगर आपसे ये नहीं हो रहा, आपने किसी चेयर की मदद से या दीवार के साथ, आप दीवार के चेयर पे आप बैठ के कर रहे हैं, किस तरह के सामने सहारा लेकर उसे, ओके ठीक, तो आप आराम से जितना इजीली आप नीचे जा सकते हैं, आपने उसको परफॉर्म किया और स्लोली स्लोली ऊपर आएंगे. करना ये है कि स्क्वाट या तो रेप्स में कर लें, 14 or 18 reps, या आपने 30 seconds जो आप कह रही हैं, ये क्या जो सी सेक्शन वाली लेडीज हैं वो भी कर सकती हैं? स्क्वाट जब आपका सी सेक्शन हुआ हो तो 3.5 months के बाद आप डॉक्टर से इजाजत लेंगे. पेल्विक एरिया की एक्सरसाइजेस पहले स्टार्ट करेंगे एंड देन स्क्वाट, क्योंकि ये पूरी बॉडी पे प्रेशर डालता है या आपकी बैली पे? ये पूरी बॉडी पे आपके प्रेशर डालेगा, अगर आपको साथ बाजू भी इन्वॉल्व करने हैं मिसाल के तौर पे, हालांकि ये आपके बैली पर भी काम करेगा, लेकिन आप पंचेज ऐड कर सकते हैं. ओके, उसमें आपने पंचेज ऐड कर दिए, या आप हिप स्वर्ल हम जिसको कहते हैं वो ऐड कर दें. अगर क्रंचेस या टारगेटेड एक्सरसाइज आप जिस दिन कर रहे हैं, आपने स्क्वाट किया, आपने यहाँ हाथ रखा, यहाँ क्रंच या बाइसिकल क्रंच हम जिसको कहते हैं वो आपने क्रंच किया, आपके पास एक चीज ये होनी चाहिए कि आपको पता हो कि बहुत ज्यादा भी आपने अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना और बहुत कम भी एक्टिविटी कितने सेट्स करने हैं. अब इसके अंदर ये होगा कि 30 seconds से आप स्टार्ट करेंगे और इसे 2 से 3 दफा दोहराएंगे हर एक्सरसाइज को, तो आपके पास एक अच्छा सेट तैयार हो जाएगा. दूसरी चीज जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथनिंग को भी बढ़ाती है, आपने अपने हाथ बेशक यहाँ पर रख लिए और ट्राई टू टच योर टो. अगर आपसे टो टच नहीं हो रहा, तो अगर आप बेंड किया हुआ है, बिल्कुल बेंड, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेज किया, एक चीज हमेशा कहती हूँ, एक्सरसाइज करते हुए अपने जॉइंट्स को लॉक मत करें, ठीक है, वो डेंजरस होता है. आपने फ्री बिल्कुल रखना है अपने जॉइंट्स को, अपनी नी को, और वहां पर आपकी थोड़ी सी जो नी है वो बेंड है. अब वो तमाम लोग जो कहते हैं कि कुछ चीजें फिर भी हमने बैठ कर करनी है, क्योंकि शुरू शुरू होता है ना, देर लाइक हमें बिठा दो, तो बैठ कर क्या कर सकते हैं, एक योगा की एक्सरसाइज आती है जिसे हम कहते हैं कैट एंड काओ. आपने बिल्कुल इस पोस्चर में गए एंड
एक्सेल, इसमें ये करना है कि आपने अपने पेट को स्क्वीज करना है, और कैट इसलिए कहते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा जब वो एग्रेसिव होती है तो वो इस फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली योगा नेचर से लिया गया है, सो एक्सेल, बैक को भी इन्वॉल्व किया है, शोल्डर को भी इन्वॉल्व किया है, एंड इनहेल, और नेक का अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी किस्म का आ रहा है, पेन होता है या नेक और बैक का भी हो सकता है, स्पाइन आपकी कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा। दूसरा, जिन लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो इस पॉस्चर में शुरू में नहीं बैठ सकता, दिखने में आसान लगता है लेकिन क्रॉस लेग्ड बैठना भी मुश्किल है, ठीक है। इसके अलावा आपको करना ये चाहिए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई पॉस्चर हम ये कहते हैं, बिल्कुल आपने उसकी तरह फ्लटर करना होता है। इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है कि आपके ब्रेन को, न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेगा। अब उससे ये होगा कि एक तो आप शार्प होंगे और दूसरा आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, और साथ ही साथ अगर तो फैट हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है या स्ट्रेस की वजह से है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों को होता है वही हम बात कर रहे हैं, बैली फैट, बैली फैट। अब अगर आपने टारगेटेड एक्सरसाइजेस भी करनी है, अब दोनों लेग्स के साथ तो टक नहीं हो सकेगा शुरू में, आपने क्या करना है, ऑल्टरनेट एक लेग को यहाँ रखा एंड एक्सहेल एंड इनहेल, एक्सहेल एंड इनहेल। अच्छा, इसके साथ आपने ब्रीदिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, मसल में ऑक्सीजन किस तरह जा रहा है, इनहेल और एक्सहेल आपने साथ साथ करते रहे, बिल्कुल आपने उस पर कॉन्शियसली ध्यान देना है उस चीज पे। और जो लोग कहते हैं नाम बड़ा प्यारा है लव हैंडल्स, लेकिन वो जिनको होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए आपने हाथ यहाँ रखा एंड साइड टू साइड आप मूव करेंगे, या आप लव हैंडल के लिए बता रही हैं जो साइड फैट होती है, बिल्कुल ये तो आपको सबसे पहले बैलेंस भी देगा। और जो लोग जाहिर है जिनकी कमर में प्रॉब्लम है और बहुत देर सीधा नहीं बैठ सकते या स्लाउच करके बैठते हैं, उनके पोस्चर के लिए भी। अच्छा, इस सलाफे ये बात ठीक है कि बैली फैट की एक्सरसाइजेज अगर आप एक बार शुरू करते हैं तो फिर आपने छोड़नी नहीं, वरना उतनी ही तेजी से बैली फैट बढ़ेगा भी सही नहीं। फिर वो बात, बॉडी में फैट है और अगर आप उसको फैट लॉस की तरफ ले जाते हैं तो वो बाउंस बैक उस तरह नहीं करेगा। होता है कि आपने थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज की, मसल टोन हुआ, उसको आदत हुई, लोग जल्दी चीज छोड़ देते हैं चाहे वो फुल बॉडी वर्कआउट हो। करना आपने ये कि कंसिस्टेंट रहना है, सिर्फ पेट की वो वजह नहीं होगा, पेट वापस आएगा। आप इंचेस में अपने आप को मेजर कर लें, आपकी बॉडी से बाकी जगह भी फैट आ चुका होगा। नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है कि अगर आपको लग रहा है कि जी आपका फैट वापस आ रहा है, आपने क्या करना है, इसको इंचेस से मेजर करना है, ठीक है। हम लोग स्केल पर मेजर करते हैं, ठीक है। आप वो चीज जरा थोड़ा सा आपको धोखा देती है, वो पुराना रिजल्ट 3 months रियलिस्टिक, 3 months लगते हैं आपकी शक्ल पर उस चीज को आने में, आपकी बॉडी पर उस चीज को आने में। सबसे पहले फेस पर फील होता है आपको क्या वेट, डेफिनेटली अगर आपकी टेक्निक ठीक है, अदरवाइज फेस योगा। बट पहले मंथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक्सरसाइज में स्किन भी ग्लो करेगी, स्किन ग्लो करेगी स्पेशली कैट एंड काउ, क्योंकि ये जैसे ही आप नीचे को अपना मुंह करते हैं आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, एंड दूसरी चीज आपके बाल ज्यादा अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये एक्सरसाइज हम उम्मीद करते हैं कि अगर इतने पे भी आप हमारे नाज़रीन अमल कर लें तो बहुत ही मुफीद हो सकता है। साथ में फलावे एक्सरसाइज तो हो गई, जरा डाइट के बारे में बताइए, डाइट में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। डाइट सबसे पहले, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ हमेशा, घर के खाने जो हमारे बड़े खाते हुए आए हैं, मैं उसकी बात करूंगी। क्यों? क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप बहुत ज्यादा गोरा डाइट करेंगे तो आप हेल्दी होंगे। आप देसी घी खाएं, वो मना नहीं है, बात यह है कि किसी भी चीज को क्वांटिटी से ज्यादा खा लें तो आपको प्रॉब्लम करती है। आपने क्या करना है, नाश्ता भरपूर करें उसमें, क्योंकि आपकी बॉडी को उस टाइम एक एनर्जी चाहिए, आप वो स्किप कर देते हैं, डोंट डू दैट। नाश्ता आप हमेशा करें घर से निकलने से पहले, या साथ ले लें लेकिन माइंडफुली उसको, मुतवाजन ग़िज़ा होनी चाहिए। और बातें बहुत सी हम करना चाहते थे लेकिन वक्त की कमी, टाइम शॉर्टेज है, हम यहाँ पर प्रोग्राम का क्योंकि वक्त खत्म हो गया। आपको फिर इंशाल्लाह बुलाएंगे और जरूर बहुत सारी चीजें अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। हमें दीजिए इजाजत अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।